आज मैं लेकर आई हूँ चटकारे कबाब की रेसिपी। बहुत ही कम वक्त में हम इसे तैयार कर सकते हैं और कबाब खाना किसे पसंद नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि उन्हें कबाब पसंद नहीं, हर किसी को अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे पाँव के साथ भी खा सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना टिकड़ीपन, वैसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनेगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से वॉच कीजिएगा और इसके अंदर बनाने की जो भी गलतियाँ मुझसे हो गई है ना, मैं उसे भी शेयर करती चलूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करें। चटकारा कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले कुछ मसाले हैं जिसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया 1 चम्मच, शाहजीरा आधा छोटे चम्मच के करीब, 3 इलायची मैंने ली है और थोड़ा सा मैंने डगर फूल ले लिया है और कबाब चीनी 5 ही नंग है, इसे ज़्यादा ना ले। और जावित्री मैंने लिया है थोड़ी सी और 1 चम्मच मैंने जीरा और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 4 लौंग और 2 दालचीनी, 1 चक्रफूल और यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची और जायफल मैंने लिया है छोटा सा टुकड़ा। अब इन सभी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। हमें चटकारा कबाब बना रहे हैं ना, तो ये मसाले जो है ना इसी की वजह से हमारे जो कबाब है वो चटकारे वाले बनेंगे। तो बस इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले और बस जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएंगे बस इसे हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। और जब थोड़े से ठंडे हो जाए ना तो बस इसे मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिएगा और पाउडर बना के इसे रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर मैंने कीमा ले लेना है, तो यहाँ पे 500 ग्राम मैंने मटन का कीमा ले लिया है। अच्छे से इसे वॉश कर ले और इसे स्टेनर पे रख ले ताकि ये ड्राई हो जाए और इसे एक बार और मिक्सी में चला ले। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद कच्चे पपइये का पल्प 1 चम्मच भरकर, क्योंकि इसे हमने मैरिनेट नहीं करना, बस हमें इसे तुरंत पकाना है। अगर आप इसे मैरिनेट कर रहे हैं तो कच्चे पपइये का पल्प ऐड ना करें। अब इसके अंदर ब्राउन ऑनियन है 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्सी में नहीं चलाना, हाथ से ही इसके क्रम्बल करके डाल दें। जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम ऐड कर देंगे। साथ में 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ऐड करना है और उसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 यहाँ पे मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर हम डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है और पेपरिका पाउडर 1/2 छोटा चम्मच या फिर जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं। फ्रेश हरा धनिया और पुदीना है, इसे बारीक चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे भुना हुआ बेसन हम 2 चम्मच ही ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड ना करें वरना आपके जो कबाब है वो खुलने लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ब्रेड क्रम जो है आपको सिर्फ 1 ही चम्मच इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा ना करें। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके कबाब है ना बाइंडिंग नहीं होंगे और ज़्यादा इसमें बाइंडिंग की वजह से भी खुल जाएंगे। नमक हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद हमने घी ऐड करना है। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपका जो खीमा है वो ज़्यादा चर्बी वाला है तो आपको घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरे बैटर को ना इतने अच्छे से मिक्स करना है कि बस एक छान हो जाए। बस यहाँ पे मेरी गलती ये हो गई थी ना कि जो बाइंडिंग के लिए मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है ना, थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसे कबाब बनाने में थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही थी। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बाइंडिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो थोड़ी ही इस्तेमाल करें। अब इसे हमें मैरिनेट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें हमने कच्चे पपइये का पल्प ऐड किया है। तो बस इसे फटाफट से हमने कबाब को तैयार कर लेना है। हाँ, अगर आपके पास वक्त है ना तो आप क्या करें कि इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दी, लेकिन कच्चे पपइये का पल्प ऐड ना करें। तो देखिए इस तरह से टिक्की बना ले और टिक्की बनाने के बाद इसे इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसे डिजाइन दे दे। अगर नहीं भी देंगे ना तो कोई परेशानी नहीं, बस देखने में थोड़ा सा ये अच्छा लगता है इसलिए हम इसे करते हैं। देखिए इस तरह से सिंपल बस टिक्की करना है। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जो बॉर्डर है ना वो फट ना जाए। देखिए इस तरह से नाइफ से हम शेप दे देंगे, बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है इसे देखने में। तो यहाँ पे हमारी ये चटकारे वाले कबाब है ना, इस तरह से मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो सभी टिक्की मैंने इस तरह से बना ली है। हाँ, आप इसे स्टोर करना चाहें ना तो भी आप बटर पेपर पे रख कर जब ये सख्त हो जाए ना तो जिप्सॉप बैग में भर के रख सकते हैं फ्रिज में। चलिए अब बारी आती है इसे कुक करने की। तो हम पैन में थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे, इसे हमने सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करना वरना जो कबाब है ना वो फैल सकते हैं। तो देखिए वन साइड जब हो जाए ना तो इसे हम टर्न कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो ना रखें, मीडियम पे ही इसे हमें कुक करना है। स्लो करेंगे ना तो आपके कबाब जो है ना वो बिखर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने 1 बाय 1 को कुक कर लेना है और 1 मिनट के बाद तुरंत ही हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ही ये कबाब हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और दोनों साइड से प्रॉपर अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं।
और इसी तरह के कबाब की और भी अगर रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए कबाब तो इस तरह से बना लूँ और सारे कबाब मैं इसी तरह से बना लूँगी। अगर आपको फिर भी परेशानी आती है ना तो आप क्या करें कि जो हमने टिक्की तैयार की है ना उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप ब्रश करके और फिर फ्राई कर ले, तभी आपके जो कबाब है वो टूटेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है, और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो कबाब हमारे रेडी है, चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए चटकारा कबाब हमारा बनकर रेडी है। इसका जो अंदर का मसाला है ना वही इसको चटकारे वाला टेस्ट देता है और टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर में बुज़ुर्ग है अगर उनके दांत नहीं भी है ना तब भी ये कबाब है ना बिल्कुल गलौटी कबाब की तरह इसका टेस्ट आता है। अब मैंने इसे पाँव के साथ भी सर्व कर लिया है, अगर आप ऐसे भी खाना पसंद करें तो भी कर सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही जूसी। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे चटकारे कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की नई नई रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, मुझे कॉमेंट आप जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।